नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। हमारे देश में कई ऐसी जगह है जिनकी कई मान्यता है और उनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। अक्सर हम बस विदेशों की जगह ही देखते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए भारत में अनेकों ऐसी जगह है जहाँ की बहुत सुंदर कहानियाँ हैं और हर जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारत की उस जगह के बारे में जहाँ पर सूरज उगता ही नहीं है, वहाँ पर अंधेरा ही रहता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है इस जगह पर, और यही कारण है कि इस जगह को पाताल लोक कहा जाता है, भारत का पाताल लोक। आखिर ये भारत का पाताल लोक किस जगह पर है, यहाँ पर क्या होता है और क्या वहाँ पर इंसान रहते हैं और क्या वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। ये जगह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर है और इसका नाम है पाताल कोट। ये पाताल कोट धरातल से 3000 किलोमीटर नीचे बसा है। इस पाताल कोट में 12 गांव हैं जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसे हुए हैं। यहाँ पर रहने वाली जातियां हैं गोंड और भारिया। यहाँ के 12 गांवों में से 3 गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह सूरज आता ही नहीं, पूरी तरह यहाँ पर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि ये गांव इतने नीचे हैं और इतने घने जंगलों के बीच है कि सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। और जिन गांवों में सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ पर भी दोपहर के बाद अंधेरा होने लगता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग दोपहर के बाद ज़्यादा कहीं निकलते ही नहीं हैं। यहाँ के लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, ज़रूरी सामान भी वो अपने घर के आसपास ही उगा लेते हैं। नमक या जो ऐसी चीज़ें जिन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उगाया नहीं जा सकता, उन चीज़ों के लिए ये बाहर जाते हैं। इसके अलावा इनका दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ के जंगलों में जो पेड़ है उससे औषधियाँ बनती है, अलग अलग जड़ी बूटियां और अलग अलग जानवरों की प्रजातियां भी इन जंगलों में देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात, इस पाताल कोट को लेकर कुछ मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पाताल कोट वही जगह है जहां पर सीता माता जो है धरती में समाई थी, और जब सीता माता धरती में समाई थी तब एक बहुत बड़ी गुफा बन गई थी जिसे पाताल कोट कहा जा रहा है। साथ ही कहा यह भी जाता है कि जब रावण लक्ष्मण और श्री राम को पाताल ले गया तब हनुमान जी इसी रास्ते से पाताल पहुंचे थे, इसीलिए इसे पाताल कोट कहा जाता है और कहा जाता है कि भारत का पाताल लोक है। वैसे पाताल कोट घूमने के लिए भी अच्छी जगह है, एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जाने के लिए आपको जबलपुर या भोपाल के एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, वहां से छिंदवाड़ा तक की ट्रेन लेनी है और वहां से टैक्सी लेकर आप पाताल कोट पहुंच सकते हैं। मॉनसून जाने के लिए बिल्कुल सही समय है। इसके अलावा सितंबर से फेब के बीच का समय भी बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स इतने नहीं हैं, इसीलिए टेंट में या फिर तामिया या पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। तो ये है जानकारी भारत के उस पाताल लोक की जहाँ पर कई जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। क्या आपने पहले ऐसी जगह के बारे में सुना था? साथ ही ये भी बताइए कि भारत की ऐसी कौन सी यूनिक जगह के बारे में आप जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएं। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।